नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में सरकारी नौकरी एक फिर से निकल चुकी है दोस्तों, जिसका नाम है NCERT में जो है प्रोफेसर सहित 123 पदों पर भर्ती होने वाली है। और देख पा रहे हैं सैलरी की अगर बात की जाए तो 1,44,000 से भी ज़्यादा है आपकी। ये SC ST के लिए जो है निःशुल्क रहने वाला है दोस्तों ये फॉर्म। तो चलिए इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित पूरी जो जानकारी है विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, NCERT का मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर NCERT.NIC.IN पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो पद है असिस्टेंट ऑफिस प्रोफेसर का है, पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है। नंबर ऑफ पोस्ट मतलब 123 पोस्ट टोटल खाली है इसमें। और आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 27 जुलाई 2024 से इसका लास्ट डेट जो है 16 अगस्त 2024 तक है। और फीस जो है दोस्तों 1,000 होने वाला है। अभी आपको जो वैकेंसी का सारा डिटेल देखने वाला है, जैसा कि वैकेंसी डिटेल में देख पा रहे हैं, प्रोफेसर पद के लिए तो 33 है दोस्तों, टोटल 33 है। और जो असिस्टेंट के लिए जो है 32 है। और SU8 जो प्रोफेसर रहेंगे उनका 58 है। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, टोटल कुल पोस्ट हो जाएगा आपका 123, 123 पोस्ट जो है निकला हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका क्या होने वाला है। जैसा कि जो प्रोफेशन में अप्लाई करेंगे आप, तो PhD डिग्री होना चाहिए, 10 साल तक का वर्क जो है एक्सपीरियंस मांगा जाएगा दोस्तों इसमें। और SU8 जो प्रोफेसर है उनके लिए PhD की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और आगे देख पा रहे हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर मास्टर जो है, मास्टर डिग्री या PhD होना जरूरी है। असिस्टेंट जो लाइब्रेरियन जो है, लाइब्रेरी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। आयु सीमा की बात किया जाए तो इसमें ज़रूरी नहीं है, जारी नहीं हुआ दोस्तों अभी तक, फिर भी आप 18 से 40 तक जो भी है मान लीजिए। और सैलरी तक अगर बात की जाए तो देख पा रहे हैं जो सैलरी होने वाली है, प्रोफेसर लेवल जो है 14 के अनुसार जो है 1,44,200 रुपये सैलरी प्रतिमाह जो है आपको दिया जाएगा। और अगर एसोसिएटेड जो है प्रोफेसर, इनका जो है 13 लेवल के अनुसार मिलेगा, मतलब कि 13A के अनुसार 1,31,400 रुपये प्रति माह जो है दिया जाएगा। असिस्टेंट जो प्रोफेसर रहेंगे उनके लिए जो है लाइब्रेरियन लेवल 10 के अनुसार मतलब 57,700 रुपये प्रति माह दोस्तों दिया जाएगा। फीस के लिए देख पा रहे हैं, जैसे कि SC ST वाले जो है, SC ST वाले जो है निःशुल्क कर सकते हैं अप्लाई। और जनरल OBC EWS वाले जो है 1,000 रुपये इनका जो है दोस्तों लगने वाला है फीस। और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसका, इंटरव्यू बेसिक के आधार पे होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इसके बाद जो है सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, ऐसे ही करें आवेदन NCERT के वेबसाइट में दोस्तों, NCERT.NIC.IN पर जाकर लॉगिन करें। और सभी जो रिक्त स्थान होंगे उनको भरना है और अपना सारा पत्र जो है क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह जो है आपको इस भर्ती में आपको देख पा रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फीस भुगतान करें, फॉर्म को डाउनलोड कैसे करें, सारा जो है आप जब वेबसाइट पे जाएंगे NCERT इस ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आपको सारा चीज़ जो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये थी एक भर्ती जो आपको एसोसिएटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट सभी के लिए जो वैकेंसी निकली थी, और सभी का जो है सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। आई होप कि हमारे द्वारा एक छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो भी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि कोई छूट ना जाए, क्योंकि हर बार वैकेंसी इस तरह नहीं निकलती दोस्तों। आई होप कि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।